देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। किसानों को इस लॉकडाउन में हो रही है खासी परेशानी। मक्का के सही मूल्य नहीं मिलने से त्रस्त हैं किसान। इन दिनों मक्का का मूल्य बेहद कम मिलने से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि मक्का को किसी तरह आंधी से बचाया गया है और इस बचे कुचे मक्के को भी सही दाम नहीं मिल पा रहा है। जहां बाजारों में 1500 से 1600 तक कीमत होनी थी, अभी बस 1000 से 1100 तक ही मिल पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन किसानों तक खरीदार पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। पैकारों ने दाम को सीमित कर दिया है। सुनिए पूर्णिया के ग्रामीण क्षेत्रों के इस किसान की दास्तान। मक्का लगाए थे आप लोग? मक्का लगा रहा है लेकिन हम लोग तो मर रहे हैं। यहाँ क्या हुआ? इसलिए कि रेट नहीं दे रहा है, मतलब 900-800 का रेट बिक रहा है, 1100 का बिक रहा है। इसमें से मतलब 5 किलो ढाला ले रहा है। किसके पास? बिचौलियों के पास बेचने को मजबूर है। व्यापारी लोग जो आ रहा है ना, मतलब ये पैकार लोग, अच्छा उन्हीं लोग के साथ। अरे 5 किलो ढाला ले रहा है कुंटल में, फिर जो चोरी जो करता है वो कड़वे करता है। सरकारी रेट आप लोग को नहीं मिल पा रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है सरकारी का। क्या होगा इस बार? घाटा होगा क्या? रेट होना चाहिए जब तक किसान को जाए। मक्के में क्या इस बार फायदा है कि घाटा है? घाटा बहुत, घाटा बहुत घाटा है। इसलिए आधा पैसा नहीं आ रहा है खर्चे का हिसाब से। खर्चे का भी पैसा नहीं निकल रहा है। 6 बार 7 बार सफर किए हैं, पानी दिए हैं, मतलब इतना मेहनत लगा रहे हैं, मजदूर खर रहे हैं। 1 बीघा में फिर भी मैं इसमें कुछ आप मान के चलिए आधे रुपया मिलने नहीं उड़ रहा है। कार है कौन सा जगह है? लरहिया। मक्का किसान है आप? हाँ। कितना बीघा मक्के लगाए थे? 3 बीघा। अच्छा, क्या पैदावार अच्छी हुई मक्के की? मक्के तो हुआ, मतलब कि पैसा नहीं हुआ। कितना हो रहा है रेट? कितना है अभी मक्के का? 1100। कौन लेता है? पैकार। पैकार सब 1050 ही नहीं के बाद भले। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? हम लोग यहाँ मांगते हैं 15, 16, 17, 2000। ये रेट होना बहुत घटा है।